नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आज के शुरू में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 अमेजिंग एंड्रॉयड ऐप्स जो कि मार्च 2018 के लिए बेस्ट ऐप्स है आपकी एंड्रॉयड के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए दबा दीजिए नीचे वाले लाइक बटन को और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ऐप की तरफ। हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट ऐप है उसका नाम है लिंकड। तो ये एक ब्राउजर ऐप है, तो सिंपली आप किसी लिंक पे अगर क्लिक करते हैं और साथ ही साथ आप लिंकड पे चूज करते हैं तो एज ए ओवरले वो जो वेबसाइट है वो ओपन आपके स्क्रीन पे हो जाएगी। और जैसे ही आप इस वेबसाइट को चेकआउट कर लेते हैं कि इस वेबसाइट पे आपको क्या काम करना है वो आप कर लेते हो, तो सिंपली आपको क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर देना है और वो जो वेबसाइट है वो क्लोज हो जाएगी, यानी वो जो ओवरले है वो बंद हो जाएगा और आप फिर से उसी ऐप पे आ जाएंगे। यानी आप अगर कोई लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो आप जो यूज कर रहे हैं, जो ऐप यूज कर रहे हैं उसे आपको लीव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस ऐप की मदद से उस लिंक को एज ए ओवरले अपने फोन में ओपन कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे बढ़ते हैं अपने सेकेंड ऐप की तरफ। हमारे लिस्ट में जो सेकेंड ऐप है उसका नाम है नोटिन। तो इस ऐप की मदद से आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप इस ऐप में कुछ भी लिख के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके नोटिफिकेशन पैनल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर अपने फोन में कुछ नोट्स क्रिएट करके रखना चाहते हैं तो ये ऐप आपकी काफी मदद करेगा। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट ऐप है उसका नाम है स्मूज ब्राउजर। तो ये कुछ इस टाइप का आपको ब्राउजर देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको नीचे की तरफ सर्च बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप इस ब्राउजर को स्लाइड करेंगे लेफ्ट की तरफ तो आप देख सकते हैं इसका टैब जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसे आप लेफ्ट या राइट की तरफ स्लाइड करके इसके टैब को मूव कर सकते हैं, यानी आप एक टैब से दूसरे टैब में जा सकते हैं। और साथ ही गाइज, आप इस ब्राउजर में अगर किसी भी लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस लिंक पे लॉन्ग प्रेस करना है और वो लिंक आपको दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा। तो ये जो फीचर है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही आपको इस ब्राउजर में गेस्चर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसे आप सेटिंग में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइज, आपको इस ब्राउजर में काफ़ी ऑसम फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये ब्राउजर एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की जिसका नाम है फेक स्क्रीन, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको तीन मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे टच मोड को क्लिक करके यानी सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और साथ ही साथ स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक ब्लैक कलर का ओवरले दिखाई देगा जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो पूरी तरह से जो है वो ब्लैक हो जाएगा। इस ऐप की मदद से आप अपने फ्रेंड से प्रैंक कर सकते हैं कि आपका फोन का जो डिस्प्ले है वो खराब हो गया, या आप कुछ भी प्रैंक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप अपने फोन पे वो ब्लैक ओवरले क्रिएट कर लेते हैं तो आप अपने फोन का पावर बटन कितना भी प्रेस करेंगे आपके फोन का लाइट जो है वो जलेगा नहीं, यानी आपका फोन का जो डिस्प्ले है वो ऑन नहीं होगा। ऑन तो रहेगा लेकिन उस पे ब्लैक ओवरले रहेगा जिसे आपके दोस्तों को पता नहीं आपके फोन का जो डिस्प्ले है वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे उस ओवरले को रिमूव करने के लिए आपको सिंपली उसी जगह पे टच करना है जहाँ पे आपने टच करके वो ओवरले को क्रिएट किया था। सो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट ऐप की जिसका नाम है डायरेक्शन लॉक। तो ये एक लॉक स्क्रीन ऐप है जो कि काफ़ी कमाल का लॉक स्क्रीन है। तो इस लॉक स्क्रीन का इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा और आपको इस लॉक स्क्रीन में कोई भी पासवर्ड या पिन को यूज नहीं करना है। इस लॉक स्क्रीन में आपको एक पैटर्न बनाना होगा डायरेक्शंस का जिसे आप यूज करके अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो मुझे ये लॉक स्क्रीन तो काफ़ी कमाल का लगा, आपको ये लॉक स्क्रीन कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, ये थे कुछ ऑसम एंड्रॉयड ऐप्स जो कि मार्च 2018 के लिए बेस्ट ऐप्स है आपके एंड्रॉयड के लिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे वाले लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।